सरकारी मदरसों को बंद करने की बात कही और प्रदेश भी इस बारे में सोच रहे हैं, आप क्या कहें? ठीक है, मदरसों के सिलसिले में वही मदरसे जो बोर्ड से मुलहक हैं और गवर्नमेंट उनकी इमदाद करती है, तो कभी तो ये कहा गया कि हम उनकी इमदाद बंद कर देंगे, ये भी इतराहत आई कि उनकी इमारतें भी उन्होंने ले ली हैं और वो चलाने की भी इजाजत नहीं देंगे। जमीत उलमा हिंद कत नजर इसके कि उसकी पॉलिसी गुज़िश्ता दिनों के अंदर क्या रही है और वो आज भी उस पॉलिसी पर कायम है। हम ये कहते हैं कि ये या तबलीगी जमात के सिलसिले के अंदर मुतासिब जहनीत रखने वाले लोगों ने जो कुछ किया है और जो कुछ कहा है वो दरहकीकत सिर्फ इसलिए है कि मजहबी एतबार से मुसलमान मायूसी का शिकार हो जाए और ये समझने लगे कि उनके लिए चलने के मजहब पर रास्ते आसान नहीं है बल्कि उनको बंद कर दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि ये बात गलत है। मुसलमान कौम आज से नहीं इस मुल्क के अंदर हजारों साल से रह रही है और वो अपने दीन के मसले के अंदर किसी की मोहताज नहीं है, वो अपने पैर पर खड़ी हुई है। मुल्क के अंदर हजारों हजार मदरसे चल रहे हैं और ये कौम जो इक्तसादी एतबार से बदहाली का शिकार है वो आधी रोटी खाती है लेकिन इसके बावजूद वो अपने दीन को जिंदा रखने के लिए मदरसों और मस्जिदों को जिंदा किए हुए है। अगर ये भी 2-4% मदरसे गवर्नमेंट के मुतासिबाना जहनीत का शिकार हो जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को मजीद कुव्वत और हौसले के साथ अपनी कमाई के अंदर से उनको हिस्सेदार बनाना चाहिए और अपने दीन के बका और तहफ्फुज के लिए मदरसों को जिंदा रखना चाहिए और मजीद कुव्वत के साथ जिंदा रखना चाहिए। अच्छा, अगले 5-6 महीने में असम में इलेक्शन भी है, कहीं इलेक्शन कार्ड तो नहीं आप इस तरह से? हमारे इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, हो सकता है कि इलेक्शन कार्ड हो लेकिन हम इस मौजू के ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि जमीत उलमा हिंद तो खालिस एक मजहबी जमात है, हमारा इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन जब करीब आता है तो इस तरीके के मसाइल खड़े होते हैं, ये हो सकता है लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि मदारिस इस्लामिया जो हिंदुस्तान में हैं लेकिन सारी दुनिया में इस्लाम के बका और तहफ्फुज का जरिया है, यहीं से उनको अफराद मिलते हैं काम करने के लिए। एक जमाने से मुतासिबाना जहनीत का ये प्रोग्राम था कि वो मदारिस के चराग को गुल करना चाहते हैं लेकिन इंशाअल्लाह ये चराग गुल नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि मुसलमान मजीद हौसले और कुव्वत के साथ आगे बढ़ेगा और अपने मदारिस को अपने बलबूते के ऊपर जिंदा रखेगा।